हम वो ही देख रहे हैं, यू नो शी इज डूइंग दैट फॉर अविनाश एंड शी इज नॉट टेकिंग एनीबडी मेकिंग एनी कॉमेंट्स अगेन अविनाश. वो वहाँ पे जाके लड़ती है, शील क्राई शील फाइट, लाइक इविट करण वीर को भी उसने कह दिया कि यू नो आप इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू फाइट विथ हिम. आई थिंक एलिस को वो रियलाइजेशन आ गई है दैट शी हैज़ टू प्ले द गेम फॉर हर सेल्फ इवेंचुअली. आई थिंक ईशा को भी आ जाएगी वंस शी जस्ट यू नो स्नैप्स आउट ऑफ इट एंड रियलाइजेज के ओके यू नो वॉट अबाउट मी, यू नो दिस इज़ माई गेम, मैं इस वक्त अविनाश के साथ ही खेल रही हूँ. And that's the kind of person she is, whether she's with a guy or whether she's with a girl. Now on television, of course, log isko alag tarike se interpret karenge. It's very natural, you know, when you see a girl and a guy, wo dono वैसे भी single हैं and you obviously log ये नहीं कहेंगे कि वो friends हैं. They will be like, oh, यहाँ पे कुछ चल रहा है. It's very natural. And why not? I'm not saying कि मुझे नहीं पता आगे जाके if they will get into, you know, they will form a connection or not. But right now it's just friendship. I feel right now it's the friendship stage, you know. So even if you do have feelings, which I think is very natural, कि आप एक single इंसान हो and you know you are with a guy that looks okay and you're friends, you will have feelings for each other. I think बहुत ही organic और natural चीज है. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Sonia Ayodhya, who's rooting for her best friend Isha Singh, who's seen in Big Boss 18 nowadays. So bataiye, aapki friend bahut fearlessly game khel rahi hai, bahut aage badh rahi hai, apna stand rakh rahi hai, bonds nibha rahi hai. What do you have to say? I'm very proud of her that she's being herself, you know. Wo koi planning, plotting, manipulating, manipulation, कुछ भी नहीं कर रही है. She is being herself, and that's what I love the most about Isha. And जाने से पहले आप लोगों की कुछ बात हुई थी कि you know कैसे game खेलना है, क्या खेलना है. Because real people, you know, tend to get lost in the game because उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि over the top drama करने वाले भी कुछ लोग होते हैं. बिल्कुल. So what do you have to say? I think Isha is an introvert. काफ़ी लोग नहीं जानते, बट वो बहुत ही प्राइवेट इंसान है. तो उसने जब मुझे बताया कि वो बिग बॉस हाउस में एंटर कर रही है, आई वॉज अ लिटिल यू नो सरप्राइज, क्योंकि शी इज़ एन इंट्रोवर्ट एंड उसने हमेशा एक बहुत ही प्राइवेट लाइफ जी है. तो आई वॉज वंडरिंग दैट हाउ विल इट ऑल अनफोल्ड. बट या शी इज़ बींग हर सेल्फ. तो यही बात हुई थी दैट बी योर सेल्फ एंड हैव फन. सो आई थिंक शी इज़ डूइंग दैट. शी इज़ रियली बींग हर सेल्फ एंड शी इज़ हैविंग फन. या एंड वॉट डू हैव टू से, जिस तरीके से वो यू नो अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहती है, बिकॉज बिग बॉस में बहुत कम लोग होते हैं जो रियल बॉन्ड्स बनाते हैं. एंड ईशा हैज़ बीन सक्सेसफुल, जो वो दो बहुत अच्छे दोस्त उन्होंने अर्न कर लिए इतने जल्दी, एलिस एंड अविनाश. वॉट डू हैव टू से? सो या आई थिंक उसके दो कनेक्शन बन चुके हैं एंड आई एम हैप्पी शी हैज़ यू नो दीज टू रियल कनेक्शंस एज फ्रेंड्स. It's good that she has somebody because वो बहुत ही selective है and she's like I said वो एक introvert है, बहुत selective है लोगों को लेके, सबको आसानी से trust नहीं कर पाती है. So she is trusting Avinash a lot and she's trusting Alice a lot. So I'm glad कि उसके पास कोई है, she's not alone. I'm glad she has formed bonds with these two people. Yeah. You know, there is also you know another angle to look at her game, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि you know वो अपने दोस्ती निभाने के चक्कर में she is losing her individuality. Right. And वो इतनी ज़्यादा protective हो गई अपने friends के लिए कि वो भूल गई है कि उनका खुद का भी एक game होना चाहिए. You know, अविनाश के दुश्मन ही उनके दुश्मन क्यों हैं? I think that's the person Isha is. वो बहुत root करती है अपने दोस्तों के लिए, वो बहुत प्यार करती है उन्हें एंड शी विल जस्ट यू नो गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट दैम. सो हम वो ही देख रहे हैं, यू नो शी इज़ डूइंग दैट फॉर अविनाश एंड शी इज़ नॉट टेकिंग एनीबडी मेकिंग एनी कॉमेंट्स अगेन अविनाश. वो वहाँ पर जाके लड़ती है, शील क्राई शील फाइट, लाइक इविट करण वीर को भी उसने कह दिया कि यू नो आप इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू फाइट विथ हिम. दैट्स अ काइंड ऑफ पर्सन ईशा इज. तो हमें वही देखने मिल रहा है, यू नो. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल क्वालिटी कि आप पूरा घर आपके अगेंस्ट है और एक लॉयल दोस्त आपके पास है एंड दैट्स ऑल यू नीड इन लाइफ एज वेल, राइट? एक लॉयल दोस्त जो पूरी दुनिया से लड़ ले आपके लिए. सो अविनाश इज वेरी लकी आई गेस कि उसके पास एक ऐसा दोस्त है घर में. जी, अविनाश तो लकी है, लेकिन आपको नहीं लगता बिग बॉस एक ऐसा गेम है जहाँ पे एंड में ट्रॉफी सिर्फ एक ही को मिलेगी? Correct. दो लोग लेके नहीं जा पाएंगे. एंड ईशा इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ टुडेज गर्ल्स. और वो काफी लोगों काफी फैंस हैं उनके जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो अपना
यू नो इंडिविजुअल गेम खेले उसके बारे में आपको लगता है कि थोड़ा उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे आजकल एलिस सोच रही है दो दो एपिसोड से जो हम देख रहे हैं. करेक्ट. आई थिंक एलिस को वो रियलाइजेशन आ गई है दैट शी हैज टू प्ले द गेम फॉर हरसेल्फ इवेंचुअली. आई थिंक ईशा को भी आ जाएगी वंस शी जस्ट यू नो स्नैप्स आउट ऑफ इट एंड रियलाइजेस के ओके यू नो व्हाट अबाउट मी. You know, this is my game. मैं इस वक्त अविनाश के साथ ही खेल रही हूँ. Because उसे I think अभी it's so early on ना, अभी सिर्फ 17-18 हफ्ते हुए हैं आई गेस. सो शी इज स्टिल फिगरिंग आउट. एंड ईशा का एक बहुत ही ब्यूटिफुल साइड है जहाँ पर वो फनी है, शी इज़ हिलेरियस, और अब तक तो वो बाहर भी नहीं आया यू नो. सो आई एम वेटिंग वेन विल शी ओपन अप कम्प्लीटली एंड प्ले हर ओन गेम. आई एम वेटिंग फॉर दैट एज वेल. एंड शी शुड फॉर्म मोर बॉन्ड्स विद पीपल. दैट इज समथिंग I would say if I meet her, if I get to meet her, you know, be seen everywhere, not just him. And do you think agar if this comes from Salman Khan during weekend ka war, to wo zyada asar karega? I don't think so. I think wo ek emotional insaan hai aur agar you know uski connection kahin pe baith chuki hai to wo wahin rahegi unless you know she's compelled to go and form bonds with other people. I think she will stick. बट इनकेस यू नो इफ सलमान गाइड्स हर, जैसे यू नो सलमान सारे कंटेस्टेंट्स को गाइड करते रहते हैं बीच में टाइम एंड अगेन, एंड इफ ही गाइड्स हर यू नो कि तुम अपने गेम पे भी फोकस करो, इट शुडंट बी जस्ट यू नो अविनाश का वर्ल्ड और तुम उसमें एक कैरेक्टर हो. बिल्कुल. Yeah, I haven't looked at it that way. Yeah, maybe it would help her snap out of it, you know, perhaps. Because आप एक घर में कन्फाइंड हो तो आपको समझ नहीं आता है यू नो कि आप गेम खेल रहे हो या 24/7 आप शूट कर रहे हो. आप थोड़ी देर तो याद रख सकते हो दैट यू नो यू आर ऑन कैमरा, बट नॉट फॉर लाइक 3 months, यू नो. सो शी हैज फॉरगॉटन प्रोबेबली दैट इट्स अ गेम, बट आई एम श्योर शी विल रियलाइज इट सून. और आपका क्या कहना है, यू नो उन्होंने इतनी शिद्दत से इतनी जल्दी इतना क्लोज फॉर्म कर लिया है बॉन्ड की वो विनाश के लिए घर छोड़ने के लिए भी तैयार थी. या आई थिंक इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट अविनाश उस केस में, उस सिनारियो में वो बहुत ही अनफेयर एलिमिनेशन था. इट वॉज जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि अब ओके अब आप एलिमिनेट हो रहे हो और घर वालों ने डिसाइड कर लिया है एंड शी जस्ट रियलाइज दैट शी इज़ गोना बी स्ट्रैंडेड. वो अकेली हो जाएगी घर में क्योंकि उसका जो एक बॉन्ड है वो जा रहा है. तो इट वॉज दैट रिएक्शन इन दैट मोमेंट कि ये बहुत गलत है तो मैं भी चली जाऊँगी यू नो. So of course she would have stayed back and she would have continued to play her game. It was just that emotional reaction that she gave, you know, ke just to show that support ke you know agar ye ja raha hai to main bhi jaungi kyunki ye galat hai. And that's the kind of person Isha is, which is a very beautiful characteristic to have. But then again hum ek reality show mein and these qualities are not appreciated. Right. You know, कुछ जो दूसरे साइड के भी फैंस हैं, जो दूसरे कंटेस्टेंट के फैंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि यू नो काफ़ी बार ईशा दोस्ती के चक्कर में अविनाश की काफ़ी सारी मिस्टेक्स लेट गो कर देती हैं. जैसे अगर अविनाश गेट्स इरिटेटेड सिर्फ एक छोटे से गाली में, तो अविनाश खुद भी लोगों को बहुत ओवर द टॉप चीज़ें बोल जाते हैं, बॉडी शेम करते हैं नेशनल टेलीविजन पे, जबकि आजकल इतनी ये सब चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं, इतनी अवेयरनेस है, लेकिन वो बार बार कर जाते हैं. उनकी फैमिली पे कोई बात आती है ही रिएक्ट्स इन अ वेरी बैड मैनर, लेकिन वो किसी की अपब्रिंगिंग परवरिश के ऊपर भी कॉमेंट करते नजर आए हैं. तो आपको लगता है कि थोड़ा यहाँ पर भी केयरफुल होने की जरूरत है ईशा को कि वो, क्योंकि हालांकि वी हैव ऑल्सो सीन अदर साइड ऑफ ईशा जहाँ पे वो करेक्ट भी करती हैं काफी बार अविनाश को, लेकिन ये जो दो तीन चीजें हैं वो कभी भी करेक्ट करती हुई नजर नहीं आई हैं कि तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो, किसी की अपब्रिंगिंग के ऊपर कमेंट कर रहे हो. आई थिंक शी द काइंड ऑफ पर्सन ईशा इज, वो किसी का गुड बैड अगली हर चीज में साथ देगी. अच्छा. यू नो इफ शी कंसिडर्स यू हर फ्रेंड और आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, वो आपका साथ देगी कि यू नो कुछ तो रीज़न होगा जो इसने इसको ट्रिगर किया है. एंड यस, अविनाश बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं और बहुत रिएक्टिव इंसान है शो में, एंड ईशा कीप्स प्रोटेक्टिंग हिम एंड शी कीप्स जस्टिफाइंग हिज एक्शंस एंड हिज बिहेवियर. बट आई डोंट थिंक अविनाश इज़ अ बैड गाय. यस, ही डज हैव अ बैड रिएक्शन टू थिंग्स, और लोग उसे भी कभी कभी ट्रिगर कर देते हैं, जैसे उसकी फैमिली पर कॉमेंट कर रहा है करणवीर व्हेन ही इज सेइंग कि बहुत सेंसिटिव मैटर है तो मेरी बहन पे मत जा एंड स्टफ लाइक दैट. बट यू नो द हाउस इज
सच हो, आपको प्रोवोक करते हैं वहाँ पर लोग, एंड यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. अविनाश डज लैक दैट, यू नो. जैसे यू नो मेरे को नॉमिनेट किया तो आज मैं किसी को खाना नहीं दूंगा. वैसे भी शाम के सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते तो सो जाओ भूखे, ये बोल देना लोगों को, तो थोड़ा ये इनसेंसिटिव है कि आप अपने जिद के लिए. नॉमिनेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, यू नो, और हर सीजन में नॉमिनेशन होता है. उसके लिए आप किसी को भूखा रखो और इतने सारे लोगों को, तो जस्टिफाइड नहीं हो. सिर्फ आप अपने 4-5 लोगों को खाना दे रहे हो तो वो तो और इनसेंसिटिव हो जाता है. हाँ जी बिल्कुल. एंड आई थिंक द गेम इज सच, एंड यू नो उन्होंने एक नाराज इंसान को पावर दे रखी है कि खाना देने की, तो दैट्स जस्ट हाउ द मेकर्स आर प्लेइंग द गेम, यू नो. एंड ऑब्वियसली इतने भूखे लोग हैं तो नाराज भी होंगे, गुस्सा भी होंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी अफेक्ट हो जाएगी. तो आई थिंक हम एज व्यूअर्स भूल चुके हैं कि ये सब स्टार्व्ड लोग हैं. हम एक दिन फास्ट करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, एक दिन फोन नहीं होता तो यू नो वी जस्ट लूज आवर माइंड्स एंड वी लाइक हो क्या रहा है, वी बिकम सो यू नो वी गेट सो ट्रिगर्ड. कितने स्नैपी हो जाते हैं हम छोटी छोटी चीजों पे, तो वहां पर तो ना फोन है, यू नो, अब खाना भी नहीं दे रहे. सो इट्स जस्ट, सो आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. एंड ऑफ कोर्स एज व्यूअर्स हमें कहां फर्क पड़ रहा है कि यू नो भूखी है वो लड़की, तभी वो नाराज है, चीख रही है, चिल्ला रही है, वो भूखा है, और फिर आप उसके फैमिली पे अटैक कर रहे हो तभी वो और रिएक्ट कर रहा है. फोन भी नहीं है इनके पास, ये सारे लोग अननोन है. इतने सारे फैक्टर्स शुड बी यू नो टेकन इनटू अकाउंट, बट या वी जस्ट जज व्हाट वी सी एंड दैट्स व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट. या ये जो फॉर्म एक बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है और उसको भी लोग यू नो दोस्ती से ज्यादा का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बिग बॉस इज नोन फॉर टू थिंग्स, फाइट्स एंड लव स्टोरी. हमने हर सीजन में देखा है कि कोई ना कोई कपल बन के निकलता है या कोई ना कोई लव एंगल होता है. फाइट्स हम भरपूर देखते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज देखते हैं, तो ये दो तीन चीजें हैं जो एवरी सीजन दे गो हैंड इन हैंड. सो व्हाट डू हैव टू से जो ये लव एंगल यू नो बन रहा है, या घर ने भी नोटिस कर लिया, घर वालों ने भी, कि कुछ तो स्पेशल चल रहा है जिस तरीके से दोनों हाथ पकड़ते हैं या बातें करते हैं, या ईशा इज अनकंडीशनली देयर फॉर हिम. लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से समझाने की भी कोशिश कर रहे किया है कि तुम पूरे टाइम जेल के बाहर उसके लिए बैठी हुई नजर आती हो, विच इज नॉट वर्किंग फॉर यू. एक्चुअली ईशा इज अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन. वो मेरे साथ भी जब होती है तो वो मेरा हाथ पकड़ कर बैठी होती है. हम जब सेट पर भी होते थे वी वर लाइक इनसेपरेबल, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ पर्सन शी इज, वेदर शी इज विद अ गाय और वेदर शी इज विद अ गर्ल. नाउ ऑन टेलीविजन ऑफ कोर्स लोग इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, इट्स वेरी नेचुरल, यू नो, व्हेन यू सी अ गर्ल एंड अ गाय, वो दोनों वैसे भी सिंगल हैं, एंड यू ऑब्वियसली लोग ये नहीं कहेंगे कि वो फ्रेंड्स हैं, दे विल बी लाइक ओ यहाँ पे कुछ चल रहा है. इट्स वेरी नेचुरल एंड व्हाई नॉट. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे नहीं पता आगे जाके इफ दे विल गेट इनटू यू नो दे विल फॉर्म अ कनेक्शन और नॉट, बट राइट नाउ इट्स जस्ट फ्रेंडशिप. आई फील राइट नाउ इट्स द फ्रेंडशिप स्टेज. व्हाट विल इट ब्लॉसम इनटू आगे जाकर वो तो वक्त ही बताएगा. दैट आई कांट आंसर, यू नो, बट एट द मोमेंट आई फील इट्स जस्ट क्यूट प्योर फ्रेंडशिप. एंड She is an emotional person. That's who she is. She's very touchy also. That's why she's getting triggered कि जब उनका नाम अविनाश के साथ जुड़ रहा है, she's not liking it. और वो अपने friends को ही डांट रही है कि मत करो ये. हाँ, because obviously you're on national television, तो आप कुछ भी कहते हो उसको बहुत ही, it'll be blown out of proportion. Amplify हो जाता है. It will be amplified. तो वो उस चीज को protect कर रही है. And you have to keep so many factors in mind कि you know लोग ये ना सोचे, ये बात ना करे, वो ना करे. You are under the scanner 24/7, so it gets very difficult. You know, so even if you do have feelings, which I think is very natural, कि आप एक single इंसान हो and you know you are with a guy that looks okay and your friends, you will have feelings for each other. I think बहुत ही organic और natural चीज है. But if people want to make a big deal about it, then so be it. But right now, I think it's just friendship. आप दोनों, आपको उन दोनों को साथ में देखकर कैसे लगता है? मुझे तो बहुत cute लगता है. I'm just so happy that you know she has somebody in the house. But I would really like her to form bonds with other people also. That is something I would really like. It's good that she has him. And मुझे अच्छा लगता है उन्हें देखकर साथ में. I like to see her with Alice also because you know even with Alice she's so affectionate. She'll go hug her, kiss her. That's who she is. But when you do that with a guy, वो उसकी अलग ही कहानी बन जाती है फिर. आपको लगता है कि वो थोड़ा ब्लाइंडली कुछ लोगों को ट्रस्ट करती हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अविनाश एंड एलिस? जैसे हमने देखा है कि वो भाई मानती हैं रजत को, बट रजत
को भी हमने देखा कि उनके पीठ पीछे उनके रिलेशनशिप के बारे में बोलते हुए, उनके और अविनाश के बारे में, कि ये लोग पूरे टाइम दोनों प्यार में बाहर पड़ी हुई रहती हैं, यू नो, जेल के. तो आपको लगता है कि उनको थोड़ा वाइजली दोस्त भी बनाने चाहिए? अपार्ट फ्रॉम दीज टू, शी शुड चूज हर फ्रेंड्स. आई थिंक शी कैन सी राइट थ्रू पीपल. वन ऑफ हर क्वालिटीज इज टू बी एबल टू सी राइट थ्रू पीपल. शी विल सी थ्रू रजत इफ ही इज नॉट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, एंड उसे पता चल जाएगा. राइट नाउ इफ यू सी, शी इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एलिस एंड अविनाश. और वो ये भी कह रही है कि एलिस क्यों जा रही है वहाँ पर जब हमारी सबकी दोस्ती बन चुकी है, यू नो, दैट्स अ काइंड ऑफ इनोसेंस. एंड और उनको अच्छा भी नहीं लगता जब अविनाश किसी और लड़की को ज्यादा अटेंशन देते हैं. पर्सन शी इज, है ना, पजेसिव है वो अपने फ्रेंड्स को. हाँ, बिल्कुल पजेसिव है अपने फ्रेंड्स को लेकर. मेरे साथ भी पजेसिव है. अगर यू नो मैं किसी फ्रेंड के साथ होंगी तो कहेगी कहाँ थी तू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं. इट्स वेरी क्यूट एंड इट्स फनी, बट हाँ, नेशनल टेलीविजन पर सब कुछ अलग ही इंटरप्रेट होता है, जो मुझे भी अब रियलाइज हो रहा है दैट यू नो व्हेन यू सी ऑल दीज क्वालिटीज ऑन स्क्रीन, इट्स कंसिडर्ड नेगेटिव. इट्स नॉट, it's looked down upon, but it's all in, you know, good heartedness and in good faith. It comes from a good place. Thank you so much, Sonia, for taking out time and talking to us. Thank you.